अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि कोर i5 के अंदर रैम को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक लैपटॉप है, ये एसर का कोर i5। तो इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास ये लैपटॉप है, ये एसर का। ये अब हम इसमें रैम चेंज करके देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी रैम चेंज करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप ये किट ले लें। आप ये किट है, ये देखिए किट खुल गई है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी बैटरी निकाल दें। ये देखें, ये इसका लॉक है। ये आप सबसे पहले इसका लॉक खोलें। ये देखें, आपने लॉक खोला, ये देखें, ये आराम से ये बैटरी निकल गई। देखें बहुत इजीली। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा और ये मैं लॉक लगा दूंगा तो ये देखें, ये खुलेगा नहीं है। ये देखें, इसका मैंने आप सबसे पहले इसका लॉक खोलें, या आप इसको खोलें, ये देखें, ये ईज़िली बाहर आ गई बैटरी। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रू ड्राइवर ले लें। ये इसका बैक कवर है, ये इसका। ये आपने ये स्क्रू निकाल दिया, ये आपने एक और स्क्रू हटाया है, ये इसका। ये इसका दूसरा स्क्रू है। ठीक है, ये करने के बाद ये इसका ये जगह बनी हुई है, या आप इसको, ये खुल गया, ये इसको आप चाहें तो यहाँ रख दें। तो ये देखें, ये इसमें रैम लगी हुई है। ये रैम होती है, ये इसका सेल है, ये इसका वाईफाई कार्ड है, और ये इसकी हार्ड ड्राइव है। ये देखें इस वक्त, ये देखें, ये इसकी रैम्स हैं। ये देखें, हम सबसे पहले कवर हटाएंगे तो देखें साइडों में लॉक होते हैं। ये आपने ये लॉक रिलीज़ किया, देखें, ये देखें बिल्कुल प्यार से बाहर आ गई। आप इसको खींच लें, ये देखें, ये रैम है, ये इसकी दूसरी रैम है। देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, ये देखें, ये 2 GB की रैम है। ये देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भी 2 GB की रैम है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये कितनी शो करता है। ये देखें, आप इसमें ये रैम लगाएं, ये देखें, ये बहुत प्यार से, ये देखें, ये अंदर जाके बैठ गई। उसके बाद देखें, ये लॉक में बैठती है। ये देखें, ये एक लॉक, ये दूसरा लॉक, ये देखें, ये बैठ गई है। अब हम इसको ऑन करते हैं। चलिए, इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं इसके। या आप इसमें चार्जिंग केबल लगाएं। ये देखें, इसकी रैम चेक करनी है। इससे F2 से इसकी बायोस में जाएं। ये दिखा भी रही है, ये देखें, इसकी रैम चेक करनी है। ये देखें, आप जाएं मेन में, ये देखें 2048, देखें 2 GB की रैम आ रही है इस वक्त इसमें। ठीक है, अब हम देखें दूसरी रैम लगाते हैं तो देखते हैं कितनी शो करता है ये। अब ये देखें, हम इसमें दूसरी रैम लगाते हैं, ये देखें, ये हमने रैम उठा, ये हमने इसका, ये किसी किसी में ये शीट होती है, किसी में नहीं होती है। ये देखें, ये लॉक है इसका। ये आपने ये देखें, ये लगाया इसमें, ये देखें, ये बैठ गई है बिल्कुल। ये देखें, ये जो स्टील के लॉक होते हैं ना, ये इसमें आते हैं। ये देखें, ये एक दो देखें, ये क्लिप होके बैठ गए। ये बिल्कुल भी बहुत आसान तरीका है ये। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि देखें कितनी रैम शो करता है ये। ये तार हम इस वजह से लगा रहे हैं कि हमने इसकी बैटरी इस वक्त इसकी निकाली हुई है। ये हमने इसकी तार लगाई, हमने इसको ऑन किया। F2 से इसकी बायोस में गए,
ये देखें, अब चेक करते हैं, देखें कितनी रैम दिखाता है ये। ये आप मेन में जाएं तो ये देखें 4096 आ रही है, ये देखें 4 GB रैम आ रही है, देखा आपने। तो ये होता है इसका रैम चेंज करने का, या जो भी आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है ये। अब हम इसको बैक कवर से हम इसका पैक कर देते हैं इसको। ये देखें, ये इसका बैक कवर है, ये आपने लगाया, ये वापस आप इसको बिठा दें। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि इसकी आपने बैटरी निकालनी है, क्योंकि बाज़ अक़ात ऐसा होता है कि बैटरी लगी भी होती है और लैपटॉप ऑन होता है, और आप रैम निकाल दें या लगा दें तो उसमें जो है फिर आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। ये देखिए, आपने ये एक स्क्रू टाइट किया, इसका दूसरा स्क्रू है, ये भी बंद हो गया। अब आप इसकी बैटरी लगा सकते हैं, ये आप लगाएंगे, ये इसका लॉक है, ये आपने लॉक कर दिया, ये देखें अब ये बैटरी नहीं निकलेगी, ये लॉक चलेगा ही नहीं। ये आपने किया, ये ऐसे बाहर आ गया, ये आप इसको लॉक कर दें। अब आप देख लें, अब आप भले आप इसको बैटरी पे चला लें, कोई मसला नहीं है, मगर जब आप रैम चेंज कर रहे हों तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी बैटरी लाजमी निकालनी है। ये देखें, ये सर आ रहा है, ये देखें इसकी रैम देख लेते हैं हम, ये देखें 4096 MB आ रही है, यानी कि इसका मतलब होता है 4 GB रैम लगी हुई इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर इसके अलावा अगर आपने कोई मुझसे कोई बात पूछनी हो, कोई ट्रबल शूट हो, कोई लैपटॉप में कोई मसला हो, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।